नमस्कार साथियों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं दीपक दीक्षित आप सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी है, तो इस वैकेंसी की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हम लोग एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। थंबनेल में आपको पता चल गया होगा। और इसी के रिगार्डिंग इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आप लोग इस सेशन को शेयर कीजिए अपने सभी साथियों के साथ, फिर हम लोग बात को स्टार्ट करेंगे और कैसे कैसे आपको एग्जाम तक सारी चीजें डिस्कस करनी है। मैथ्स के पार्ट पे मैं स्पेशली आपसे डिस्कशन करूंगा, तो कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको यहाँ पे इस चैनल पे। ठीक 12 बजे क्लास होगी और बहुत सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार आप लोग सेशन को शेयर कीजिए, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कीजिए। और क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच गई है या पहुंच रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और जैसे ही आप लोग शेयर करेंगे, आप लोगों को मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो बताइए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक बातें डिस्कस करनी है आज इंट्रोडक्शन के पार्ट पे, और फिर उसके बाद कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या स्ट्रेटजी होगी, कौन कौन से सन्नी बिल्कुल सारे लेवल के क्वेश्चंस का डिस्कशन भी करेंगे, और जो भी सवाल आपके होंगे वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार आप लोग शेयर कीजिए पहले, फिर सारे क्वेश्चंस हम आपके लेंगे और जो भी आपकी क्वेरी होंगी वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले तो जो बेसिक चीज है कि वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं उसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। वो क्या है कि आपको ये जो 2020 के लिए नोटिफिकेशन आया है, इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो क्या है, 5 फरवरी, और लास्ट डेट क्या है, 21st of March। तो ये लास्ट डेट निकल ना जाए, इसके पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है, पहली बात, क्योंकि 21st of March तक ही आप रात 11:30 बजे तक प्रिंट निकाल पाएंगे ऑनलाइन रिसिप्ट का। इसके लिए आपको जो टाइम ऑफ रिसिप्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, लास्ट डेट है वो 21 मार्च है, तो इसको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मेकिंग जो फी पेमेंट है ऑनलाइन फी जमा करने की, उसकी डेट भी सेम है 23। हाँ, अगर आप ऑफलाइन चालान सबमिट करेंगे तो उसकी डेट 25 तारीख है, 25 मार्च। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम की डेट क्या है। अगर ये बात हमें पता चल जाएगी और इसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। तो देखो, जो शेड्यूल है सीबीटी का, जो फर्स्ट टीयर में एग्जाम होना है वो है 1st of July, इस पे फोकस कीजिए। 1 जुलाई से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, कहने का मतलब है 1 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक एग्जाम होना है, लेकिन कब आपका एग्जाम पड़ेगा ये तो शायद पहले से क्लियर नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या प्लान करना है कि भाई हमें 1st of July के लिए टारगेट करना है। हमारा टारगेट क्या होगा एग्जाम के लिए, 1st of July, ध्यान रखिएगा। अभी इस पर बहुत सारी चर्चा हम लोग करेंगे। तो एग्जाम डेट आपको क्या मान के रखनी है, 1 जुलाई। उसका जो टीयर टू है वो 21 नवंबर में होगा, 21/11 को, लेकिन उसके लिए पहले टीयर वन क्वालिफाई करना होगा। जिन लोगों का टीयर वन क्वालिफाई होगा वही डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए एलिजिबल होंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ मेन मुद्दा आता है कि सर एज लिमिट क्या होती है। देखिए, दो तरीके की इसमें वैकेंसीज हैं, एक 18 से 25 और कुछ पोस्ट 18 से 27 के लिए हैं। लेकिन लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या है, जो कट ऑफ है, मींस किस डेट को हम कंसीडर करें, तो यह है 1 जनवरी। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम 18 साल के तो हो रहे हैं बट 2 जनवरी को हो रहे हैं, तो ये कंसीडर नहीं होगा, ध्यान रखें। अंशुल, सारी चीजें अभी हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी बुक्स कैसे पढ़ना है, क्या प्रैक्टिस सेशन होंगे, कहां से पढ़ना है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात समझिए कि जो 2nd of Jan है वो एलिजिबल नहीं है, 1st of Jan तक एलिजिबल है। इसलिए आप डेट ऑफ बर्थ के बारे में कंफर्म रहें,
तभी आप फॉर्म फिल करने के लायक होंगे। इसके अलावा ये जो कंडीशन है इसमें जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो चाहे कैटेगरी के फॉर्म में हो या कोई भी एक्स सर्विसमैन के फॉर्म में हो। तो इसमें एक बात बहुत कंफ्यूजिंग रहती है लोगों को, अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आ जाता है क्या मेरे पिताजी या मेरे चाचा एक्स सर्विसमैन है तो एलिजिबल होंगे। नहीं, एज रिलैक्सेशन डायरेक्ट उस पर्सन को मिलता है, कोई डिपेंडेंट या कोई बेटा या बेटी उसके लिए वो अप्लीकेबल नहीं होता है। तो ध्यान रखें एज रिलैक्सेशन में आपके पिताजी अगर किसी भी सर्विस में है तो वो कंसीडर यहां नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान दें। साथ ही साथ मेन मुद्दा क्या है, पेपर का पैटर्न, पेपर का पैटर्न की क्या क्या पूछा जाना है इसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखो जो सब्जेक्ट है हमें वो तो हमें पता है कि ओवरऑल किसी भी वनडे एग्जाम में क्या पढ़ना होता है, जिसको हम बोलते हैं जर्म। एक लाइन में अगर आप समझे तो ये क्या है, जर्म है, जीएस इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स। यहां पे जनरल इंग्लिश कहने का मतलब सामान्य, मतलब बहुत बेसिक चीजें जो डेली लाइफ में यूज होती हैं उन्हीं से पूछा जाना है। साथ ही साथ रीजनिंग के पार्ट पे जनरल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थोड़े बहुत लॉजिकल पॉइंट, ये सारी रीजनिंग की बातें होंगी। मैथ्स के नाम पे देखो लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसका एक अपना इंपॉर्टेंस है। जब आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड लिख देते हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे कैलकुलेशन के पार्ट पे सिंप्लीफिकेशन की चीजें भी आती हैं, मतलब लो लेवल का मैथ्स आता है, बहुत ही इजी गोइंग होता है, बहुत ही आसान होता है। और जनरल अवेयरनेस जीए जिसमें आपको सारी चीजें पढ़नी होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, सबके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 25 है और मैक्सिमम भी 25 है। और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट है कंपोजिट। अब ध्यान दो, अगर 90 मिनट कंपोजिट टाइम मिलता है तो उसमें आप कितना किसको देंगे, अगर आप इसका बाइफर्केशन करें तो चार सेक्शन है हमारे पास, अगर डिवाइड बाई 4 करते हैं तो 22.5 मिनट पर सेक्शन आ जाता है। लेकिन जरा समझिए, क्या 22.5 मिनट आपको इंग्लिश करने में लगेगा? नहीं, इंग्लिश आप हार्डली 15 मिनट में कर लेंगे, जीएस हार्डली 10 मिनट में कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है, 25 मिनट में आपका ये हो गया, 90 में से अगर आप 25 हटा देते हैं तो बचता है 55 मिनट। और ये जो 55 मिनट हैं, ये दो सेक्शन के लिए हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए। अगर आप रीजनिंग और मैथ्स में 27 से 28 मिनट देते हैं एक सेक्शन में तो आप आराम से 25 के 25 सवाल कर सकते हैं मैथ्स में। और कोई बड़ी बात नहीं है कि मैथ्स में 25 सवाल आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही इजी गोइंग है, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल आते हैं, बिल्कुल बेसिक आता है। तो जब आपको ये बात कंफर्म हो गई कि हमें टाइमिंग कैसे सेट करनी है, क्योंकि हमें इंडिविजुअल टाइम नहीं दिया गया, कंपोजिट टाइम आपको दिया जा रहा है और उसमें से हम सेक्शन वाइज अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, तो ये तो टाइम का बाइफर्केशन आपको रखना है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है आप सभी को, इसमें तो कोई डाउट किसी को नहीं होगा। प्रिया यादव एक बार 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 एक ही क्वेश्चन पूछ रही हैं। पहली बात, अगर आपके पास कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल होंगे, लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे बहुत सारे लोगों की उंगलियां कटी रहती हैं लेकिन वो एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मांगती है, तो इस बात का ध्यान रखें। बात आती है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसे होगा। जब आप पेपर वन क्वालिफाई कर लेंगे, जो सीबीटी है मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो पेपर सेकंड होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपको एक एसे लेटर लिखना होता है इंग्लिश या किसी लोकल लैंग्वेज में, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं अगर आपकी हिंदी
आसान है, आपको लगता है कि मैं हिंदी में ही लिखूंगा तो बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है, या लोकल लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है जो 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। मैक्सिमम 50 मार्क का है, टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट मिलेगा जनरली, और इस 30 मिनट में 50 अंक उसमें से कट ऑफ जाएगी मेरिट के अकॉर्डिंग, और ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसका मेरिट में कोई रोल नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर पेपर वन में ऐसे दो लोग या 10 लोग जिनके इक्वल मार्क हो गए तो उस कैटेगरी में फिर आप ये चेक किया जाता है कि जिसका ऐसे लेटर राइटिंग अच्छा होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में अगर आपके टीयर वन में मार्क सेम आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में टीयर टू के मार्क का वेटेज होता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा समझिए, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है कि हाँ कैसे हम लोग बात कर सकते हैं टीयर टू के लिए, तो पहले टीयर वन देन टीयर टू, और साथ ही में आपको क्या समझना है कि मैथ्स की बात करते हैं। ये तो बात हो गई कि टीयर वन के बाद टीयर टू पे कैसे जाएंगे, अब हम स्पेशली मैथ्स की बात करते हैं कि हम लोग मैथ्स कैसे डील करेंगे। वो हमारे पास 1 जुलाई को एग्जाम है और ये जो बैच है कंप्लीट, ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मींस 15 ऑफ फेब से। कहने का मतलब 13 दिन इधर फरवरी में, उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने आपके पास हैं। 1 वीक में 5 दिन क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, तो 4 महीने में 16 वीक हैं, मतलब 16 × 5 = 80 दिन हो जाएंगे 1 वीक में 5, और लगभग 10 दिन इधर और, तो कहने का मतलब हमारे पास 90 डेज हैं, और इस 90 डेज में हम लोग मैथ्स को बीट करेंगे। 90 डेज के अकॉर्डिंग मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वीकली क्या क्या पढ़ेंगे उसका सिलेबस भी अभी हम आपको पहले से बता देंगे कि किस वीक में कौन सा क्लास चलेगा। तो 90 डेज का हमारे पास कंप्लीट टाइम है, आप ध्यान रखें। देखिए 15 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई को एग्जाम है, तो उसके पहले हमारे पास 4 महीने हैं और आधा महीना फरवरी का, तो ओवरऑल हमारे पास 90 डेज हैं क्लास के लिए। ये 90 डेज क्लास होगी, अदरवाइज सैटरडे संडे आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, उसमें क्या करना है वो भी हम सारी चीजें अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैथ्स में नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है, उसमें आपको कंपटीशन ऑफ होल नंबर, मतलब संख्याओं से संबंधित सवाल, उनके गुणा भाग, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, मतलब संख्याओं से संबंधित सवाल, और फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब समीकरण कैसे हल किए जाते हैं, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कुछ बार ग्राफ या टेबल वाले सवाल, मेंसुरेशन, 2D 3D, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीजें हम लोग इस 90 डेज में कवर करेंगे। अब जरा समझिए कि 90 डेज का जो हमारा प्लान है उसमें वीकली क्या करने वाले हैं और आप एक्स्ट्रा क्या करेंगे और कैसे कैसे आपको जाना है मेरे साथ। डेली क्लास की टाइमिंग पहली बात तो 12 बजे, ये ध्यान रखें। इसके अलावा पीडीएफ के लिए आपको वाईफाई स्टडी, एसएससी एग्जाम, लोकेंद्र बहुत अच्छी बात है, अगर फॉर्म आपने डाल दिया है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि फॉर्म आप जल्दी से जल्दी फिल करें। तो 12 बजे क्लास की टाइमिंग है। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है वाईफाई स्टडी एसएससी। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम मिलेगा और वहां ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपको सारी पीडीएफ उसी चैनल पर मिलती रहेंगी, वाईफाई स्टडी एसएससी चैनल पर। देखिए हम लोग वीकली डिस्कशन करेंगे, 18 वीक का हमारे पास समय है 90 डेज में, 5 डेज क्लास होनी है मंडे टू फ्राइडे। तो फर्स्ट वीक नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पे बात होगी, सेकेंड वीक सर्ड इंडाइसेस, घातांक तथा कर्णी वाले सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, थर्ड वीक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस पे बात करेंगे, चौथे वीक एसआई और सीआई, एवरेज औसत वाले सवाल होंगे, पांचवे वीक में अनुपात, समानुपात, साझेदारी वाले सवाल होंगे,
सभी सब्जेक्ट के लिए सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, जीके, सारा इसी चैनल पे आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अलग अलग टाइमिंग पे कंप्लीट एमटीएस के लिए सारे सब्जेक्ट इसी चैनल पे चलेंगे। जब हम छठे वीक पे पहुंचेंगे तो बात होगी टाइम एंड वर्क की, पाइप एंड सिस्टम की, मतलब नल एवं टंकी वाले सवाल जो कि बहुत ही परेशान करते हैं लोगों को। सेवेंथ वीक में टाइम एंड डिस्टेंस, उसके साथ ट्रेन, बोट, नाव एवं धारा वाले सवाल। आठवीं और नवे वीक में मेंसुरेशन का चैप्टर होगा 2D और 3D। टाइमिंग 12 बजे ही रहेगी, 12 PM जिस पे हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, 12 PM पे ही क्लास चलेगी डेली मंडे टू फ्राइडे में। फिर दसवें वीक पूरे वीक अलजेब्रा चलेगा। देखिए वीकली हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, एक वीक पूरा हम आपको दे रहे हैं एक चैप्टर के लिए, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ में ही चलती रहेगी। मतलब हम बेसिक से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिला के आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जब आगे बढ़ते हैं 11th वीक आता है, फिर हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री के लिए मैंने 2 वीक दिए हैं क्योंकि ज्योमेट्री में प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही होती है लोगों को, तो ज्योमेट्री आपके पास 2 वीक के लिए रहेगा, आराम से आप ज्योमेट्री सीख जाएंगे। और 13 वीक में ट्रिग्नोमेट्री, 14th-15th में क्वाड्रिनेट एंड अदर। अदर मीन्स अगर कोई चैप्टर मिसलेनियस छूट जा रहा है तो वो सारी डिस्कशन हम लोग 15th वीक पे करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में जो 3 वीक हैं उस पे मिक्स प्रैक्टिस सेशन होंगे, और लास्ट वीक कंप्लीट मॉक टेस्ट 25 सवालों का, एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट जिसको आप कह सकते हैं, जैसा एग्जाम में आएगा रियल एग्जाम में, उन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, ये क्लियर है? अब जरा मुझे बताइए क्या डाउट है आपको, किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग एनी इशू, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को, किसी के मन में कोई सवाल है तो आप बताइए। रिगार्डिंग मैथ्स, स्पेशली मैथ्स के बारे में अगर कुछ भी आपके मन में सवाल है तो आप पूछिए। 12 बजे क्लास होगी बेटा लोकेंद्र, 12 PM पे क्लास होगी 12 बजे मंडे टू फ्राइडे में इसी चैनल पर। चलिए सवाल पूछिए फटाफट। पीडीएफ के लिए मैंने आपको क्या बोला है, वाइफ स्टडी SSC एग्जाम चैनल सर्च करना है टेलीग्राम पे, और वहां आपको पीडीएफ मिल जाएंगी सारी चीजों की। ठीक है, जो डिस्कशन है डे बाय डे हम लोग करेंगे ही मैथ्स के पार्ट पे। आपको कुछ बेसिक बातें समझ के रखनी है पहले से, चैप्टर वाइज आपको नोट्स बनाना है प्रॉपर, क्लास रेगुलर करना है प्रॉपर। और मंडे से क्लास स्टार्ट होगी, ये मंडे से स्टार्ट होगी जो नेक्स्ट वीक आ रहा है। सनी, बुक्स के लिए मैंने आपको क्या बोला कि जो क्लास करेंगे उसका आप नोट्स बनाते चलिए, मैं कोशिश करूंगा बेसिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल किए जाएं उसी प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में, मतलब क्लास की ड्यूरेशन में। लेकिन फिर भी अगर आप कोई बुक्स पे जाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई बुक परचेज करें और उसकी प्रैक्टिस करें साथ में, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो मोर देन 50% आप सॉल्व कर चुके होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है। ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर पे जाना चाहते हैं। और बिल्कुल बेसिक वीक है तो उसके लिए आप NCERT प्रेफर करें, और जो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा उन सारी चीजों को नोट्स में ऐड करें। सेंटर नियर अबाउट आप अपने आसपास डालें, जहां पे आप आसानी से पहुंच सकते हैं, जहां आपकी रीच है। तो फॉर्म बिल्कुल फिल कीजिए, इंपॉर्टेंट है फॉर्म फिल करना, क्योंकि जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं आपका माइंडसेट हो जाता है कि भाई अब एग्जाम देना है।
और देखिए सफलता का कोई दूसरा उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, पढ़ाई करना है, मेहनत करनी है ईमानदारी से आपको, और एक टारगेट बनाना है कि हमें 90 दिन में एमटीएस क्रैक करना है, मींस एग्जाम के पहले एनी हाउ अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 24x7 एमटीएस ही दिमाग में चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि तैयारी आप एमटीएस की कर रहे हैं और आप तैयारी मंडे ट्यूसडे एंड सैटरडे कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। लास्ट डेट मैंने अभी आपको बताई है 25 मार्च, 21st ऑफ मार्च है, उसके पहले आप फॉर्म फिल कर लें। बिल्कुल 25 में से 25 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 25 में से 25 बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल। और भी क्लास पढ़नी है तो मैंने आपको क्या बोला कि मैथ्स के अलावा इंग्लिश, जीए, जीके, रीजनिंग सारी क्लासेस इसी चैनल पे होंगी, अलग अलग टाइमिंग्स पे। चलिए मैं उनकी टाइमिंग आपको बता देता हूं, देखिए टाइमिंग आप नोट कर लीजिए, 4 PM पे 4 बजे शाम को रीजनिंग का क्लास होगा, इसमें दीपक सर पढ़ाएंगे, दीपक सिंह सर, और 6 PM पे 6 बजे जीएस आमिर खान सर पढ़ाएंगे जीएस, और रात 9 बजे स्टैटिक जीके के लिए गगनदीप सर पढ़ाएंगे। और इंग्लिश का शेड्यूल जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा, उसी चैनल पर आपको बस फॉलो करना है चैनल, और अपने सभी दोस्तों को इनवाइट कर लेना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब करा लेना है। और टाइमिंग मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन सी टाइमिंग में क्या क्या चीजें होनी है। देखो यहाँ एमटीएस का जो सिलेबस है ना, और जो एमटीएस का लेवल है वो बहुत ही आसान है, आप सीजीएल या सीएचएसएल के बारे में ना सोचें, इतने लेवल का नहीं आता है, यहाँ पे बहुत ही आसान आता है। 4 PM, 6 PM, 9 PM रीजनिंग, जीएस, मैथ्स आपको 12 बजे मिलेगा, ये मैंने बता दिया है, और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश का क्लास कितने बजे होना है। ओके, और कोई डाउट है, और कोई डाउट है किसी को बताइए। देखिए आवर्स मायने नहीं रखते, अगर आप पर डे के आवर्स बढ़ा लोगे तो मंथ कम हो जाएंगे। अगर आप सोचो केवल हम वीकेंड में पढ़ाई करेंगे तो एक साल में भी एग्जाम नहीं क्लियर होगा, ठीक है। तो मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है कि आप ध्यान दीजिए कि हम मैक्सिमम आवर्स कितना दे पा रहे हैं पर डे। मैंने क्लास की टाइमिंग अभी आपको बताई है 6 PM, 4 PM एंड 9 PM। वैसे भी आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। देखिए बेटा यहां पे जो बेसिक आते हैं वो आपको हाई स्कूल लेवल से ज्यादा कुछ भी नहीं आना है, क्योंकि मैक्सिमम एलिजिबिलिटी ही 10th स्टैंडर्ड की है, और आप सारे लोग 10th पास हैं, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है। रही बात बुक्स की, तो मैंने आपको क्या बोला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप बुक ले लें, उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बहुत बेसिक वीक है तो एक बार एनसीईआरटी उठा लें, वहां से रिवीजन कर लें, और जो चीजें हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे उनको आप नोट्स में एड करते रहें ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए। बेसिक के लिए एनसीईआरटी है, बेसिक विथ ट्रिक्स एंड टिप्स उसके लिए हम क्लास लेंगे, और आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस कराएंगे। और हाँ स्पेशली मैं आप सभी को बता देता हूं कि मंडे टू फ्राइडे तो क्लास चलेगी 12 बजे, ठीक है, लेकिन सैटरडे को ठीक 12 बजे एक रिवीजन मॉक टेस्ट टाइप से होगा जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होगा, ठीक है। तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके
मॉक टेस्ट देना है वहां पे 12 बजे लीडर बोर्ड के साथ, जिसमें डायरेक्ट में सोल्यूशन भी बताता चलूंगा सभी क्वेश्चंस के। 9 पीएम पे जो होगी वो गगनदीप सर की जीके होगी, स्टैटिक जीके। तो मंडे टू फ्राइडे हम लोग यहां क्लास करेंगे और सैटरडे को स्पेशली अन एकेडमी लर्निंग ऐप पर मॉक टेस्ट देंगे, तो पूरे वीक का रिवीजन भी हो जाएगा और आपको साथ में मॉक देने की प्रैक्टिस भी होगी कि कैसे रियल एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी क्या करना है कैसे करना है। और कोई डाउट है किसी को, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज ओवर करते हैं आज का सेशन। तो सभी लोग ये सेशन शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, टाइमिंग मैंने आपको बता दी है 12 बजे मुलाकात करना है डेली, मंडे से स्टार्ट हो जाना है सभी को। और अगर आपको लगता है कोई बेसिक लेक्चर देखना है तो बेसिक लेक्चर 6 पीएम पे जीएस होगा आमिर सर का, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके आप मैथ्स के स्टार्टिंग के भी लेक्चर देख सकते हो, जिससे आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएं। अदरवाइज यहां हम दोबारा से बेसिक स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, बस आपको रेगुलर रहना है, मेन मुद्दा है रेगुलर। अगर आप रेगुलर रहेंगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई अच्छी करेंगे तो सिलेक्शन होगा। देखो, सफल होने के लिए जीवन में रेगुलर होना जरूरी है। जो समय की वैल्यू नहीं करते, फिर समय उनकी वैल्यू नहीं करता। इसलिए प्लीज रेगुलर रहें, 12 बजे की टाइमिंग है तो 12 बजे ज्वाइन करें, लेट ना हो स्टार्टिंग से ज्वाइन करें और जितनी बातें बताई जाए उनको फॉलो करें। अगर आप रेगुलर रूटीन में क्लास करेंगे तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपको इधर उधर कुछ भी सर्च नहीं करना होगा, आपको मैथ्स में 100% 25x25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें बिल्कुल आप लोगों को क्लियर होंगी, और इस उम्मीद के साथ कि आप सारे लोगों का एग्जाम फाइनल होगा, सिलेक्ट होंगे। इस एमटीएस को अगर आप टारगेट बना रहे हैं और 90 डेज की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे साथ बिल्कुल ठीक 12 बजे जुड़े रहिए आप। मंडे से क्लास स्टार्ट होगा, सिलेबस मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे डिस्कस करना है, क्या क्या करना है, और डे बाय डे जब मुलाकात करेंगे तो बहुत नई नई चीजों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में नए सवालों के साथ। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जो सैटरडे को मॉक टेस्ट होगा 12 बजे वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होगा, तो उसके लिए प्रोफाइल का लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप बैंकिंग कैटेगरी में सर्च कर सकते हैं दीपक कुमार के नाम से। तो मिलते हैं नए सेशन में नए सवालों के साथ, थैंक यू सो मच। इसी चैनल पर क्लास होगी, पीडीएफ के लिए आपको वाईफाई स्टडी एसएससी चैनल ज्वाइन करना है, वाईफाई स्टडी एसएससी, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वाईफाई स्टडी एसएससी चैनल ज्वाइन करना है। इसी चैनल पर सारी क्लास होनी है और 12 बजे होगी मैथ्स की क्लास। So that's all. Thank you so much.